हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और मैं अभी खेत पे आई हूँ लहसुन के पत्ते लेने के लिए, क्योंकि मेरे को चटनी बनाना है और धूप में कुछ दिख नहीं रहा है ढंग से। मैंने धनिया लहसुन के पत्ते तोड़ लिए हैं, अभी घर जाके चटनी बनाएंगे। यहाँ पर इस आदमी को देखो, बिल्कुल इस कदर घुसा है मोबाइल में, इस कदर मोबाइल में घुसा है, चिल्ला रहे हैं। मैं बोल रही हूँ घर पे चलना है, पर नहीं, ये गेम में घुसे। बोले मेरी पारी ओन दो, पारी ओन दो, पारी ओन दो। पारी पूरी है कि चला, मतलब मेरे को ये जो गेम है ना, फ्री फायर, बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले एक टाइम पे मेरा फेवरेट हुआ करता था, जिसे मैं खेला करती थी, पर इस इंसान के कारण मेरे को इस गेम से नफरत हो गई है। मैंने चटनी बना ली है, ये देखो, बहुत टेस्टी बनी है खाने में, बहुत ज्यादा ही टेस्टी बनी है खाने में। इसमें मैंने डाला है, जैसे मैं वो लहसुन के पत्ते ले गई थी वो डाला है, प्याज तो नहीं डाला है, टमाटर काट के डाला है, और हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्लस मतलब जीरा, सौंफ, और थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, और काला नमक, मतलब सेंधा नमक, काला नमक और सादा नमक, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी खटाई डाल दी मैंने इसमें। मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने इसमें छाछ डाली है थोड़ी सी, तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है खट्टी मीठी चटनी बन के। ट्राई करना आप भी अपने घर पे, कैसी बने कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं बाफली बाटी बनाऊंगी, और उसके लिए मेरे को आटा उसलना है, और मैं कढ़ी बनाऊंगी। अभी मैंने बाटी सेकने के लिए चढ़ा दी ओन पे, और जब तक बाटी सिकाती है तब तक मैं कढ़ी का पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। बोला था ना वो टेस्टी बनेगी, देखो शुभम जी ने पूरा वेटर तैयार किया है खाने के लिए, किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। आपको कैसा लग रहा है टेस्टी करके? स्वाद कैसा है आज? बहुत अच्छा टेस्ट है। आज घर पे ये काम हुआ है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर काम चल रहा था, ये जो चौखट है ना, ये लगाई है क्योंकि घर का काम चालू कर दिया है, तो ये चौखट लगाई है। और ओ भैया, कल बहुत देर तक लगाई उनने, मतलब सब दूर की चौखट उन लगाई है। अभी मैं दाने निकाल रही हूँ फली के लिए, ये लाल तुवर की फली। हाँ, दीदी लिलवे निकालूंगी, इसकी सब्जी कूट के बनाऊंगी शाम को। आज मैं बहुत ज्यादा ही बिजी थी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आज जो खेत पे खाद उड़ाते ना, मतलब यूरिया वगैरह जो भी खाद होता है, उसकी थैलियाँ सारी खोली, मतलब जो सिलाई थी वो दोनों दोनों साइड से खोली है धोने के लिए, और मैंने भिगो के रख दिए डाले मैं भी उधर। फिर जाऊंगी तब शाम को बताऊंगी मैं आपको। और मैं 3:30 बजे नहाई हूँ आज। इतनी धोती है, इतनी धोनी है, और भी घर में रखी है, वो मैं कर दूंगी क्योंकि आज मेरे को इनमें टाइम हो जाएगा। फिर नहाना है, कपड़े धोने हैं, तो इसमें 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटा। व्लॉग मैं यही इन करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।